सो दोस्तों, जस्ट नाउ हमने ए और बी सॉल्व किया क्वेश्चन फर्स्ट का. अब हम सी सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट है. सी इज ₹62,500 फॉर 1.5 ईयर एट 8% पर एनम कंपाउंडेड. अभी तक जो हमने सॉल्व किया एनुअली था, अब यहां पर क्या है, हाफ ईयरली. ठीक है, अब यहां भी टाइम जो है वो फ्रैक्शन में ही दिया है, 1.5 ईयर, बट हाफ ईयरली दिया है. हाफ ईयरली होने से माइट बी ए टाइम नॉर्मल नंबर में कन्वर्ट हो जाए इंस्टेड ऑफ फ्रैक्शन. तो हम सबसे पहले इसको देखेंगे. ठीक है, जो जो गिवन है वो लिखेंगे, 62,500 रुपीस, टाइम इज 1.5 ईयर मीन्स 3/2 ईयर एंड रेट इज 8% पर एनम. फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 1 + r/200 हो जाएगा बिकॉज इट इज हाफ ईयरली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली. अमाउंट इज इक्वल टू पी इज 62,500, 1 + r इज 8/200, 2 × n इज 3/2. देखिए ये ऑटोमेटिकली क्या हो गया, कैंसिल होके नॉर्मल नेचुरल नंबर में कन्वर्ट हो गया. और पावर अगर नेचुरल होल या इंटीजर हो तो भी सॉल्व हो जाती है, फ्रैक्शन में थोड़ी सी प्रॉब्लम देती है. तो यहाँ पे फ्रैक्शन रहा ही नहीं, ऑटोमेटिकली कंपाउंडेड हाफ ईयरली होने की वजह से डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया. ठीक है, अब हम इसे ओपन करेंगे, 8 × 8, सो इट इज 26/25³, 62,500, 26/25, 26/25, 26/25, 3 टाइम्स था, 3 टाइम्स ओपन कर दिया. एज आई टोल्ड यू कि मेरे पास इसका ऑलरेडी सॉल्व आंसर है, बट आप इसे कैलकुलेट करेंगे. सो योर फाइनल आंसर इज इक्वल टू 70,304 रुपीस. बट ये हमारे पास क्या आया, अमाउंट विच इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली. हमें निकालना क्या है एक्चुअली, कंपाउंड इंटरेस्ट, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. 70,304 - 62,500, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने पर जो आंसर आएगा 7804 रुपीस. सो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया, 7804 रुपीस. बट ये क्वेश्चन ए और बी से डिफरेंट था, वहां कंपाउंडेड एनुअली था और टाइम फ्रैक्शन में दिया हुआ था. तो हमने कंप्लीट ईयर अलग कर लिया एंड जो फ्रैक्शन पार्ट है वो फॉर्मूले में अलग कर लिया. यहाँ पर हाफ ईयरली होने से ऑटोमेटिकली फ्रैक्शन जो है वो नॉर्मल नंबर में कन्वर्ट हो गया. तो हमने ए बी एंड सी तीनों की. दोस्तों क्वेश्चन फर्स्ट का डी एंड ई ऑलमोस्ट सेम है, तो हम इसे यहीं पर ले लेंगे. डी, ₹8,000 फॉर 1 ईयर एट 9% कंपाउंडेड हाफ ईयरली. एंड ई भी बिल्कुल ऑलमोस्ट ऐसा है, तो हम यहीं पर दोनों लेंगे. जो जो गिवन है हम वो लिख लें, पी इज 8,000 रुपीस, आर इज 9%, टी और एन इज 1 ईयर. ठीक है, फॉर्मूला क्या होगा, हाफ ईयरली है इसलिए 1 + r/200 हो जाएगा. और इसका रीजन मैं आपको ऑलरेडी बता चुके हूँ, वैल्यू सब्स्टिट्यूशन. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है इसलिए मैं इसे स्पीड में ले रही हूँ. 9/200 ⁻² 2 8,000 × 209/200 ⁻². ब्रैकेट ओपन करेंगे, 8,000 × 209/200 ⁻² है तो 2 बार ओपन होगा. एंड फाइनली इट इज इक्वल टू, मेरे पास इसका आंसर है 8736.20 रुपीज. इन केस मैं यूनिट लगाना भूल जाऊं
बट आप मिस नहीं करेंगे, ठीक है। अमाउंट आ गया, ये जो भी हमने सॉल्व किया दिस इज अमाउंट, और हमें इस क्वेश्चन में क्या था, अमाउंट भी फाइंड करना था और कंपाउंड इंटरेस्ट भी फाइंड करना था। अमाउंट इज 8736.20 माइनस प्रिंसिपल इज 8000, सो फाइनली इट इज 736.20 रुपीज। कंपाउंड इंटरेस्ट भी आ गया, अमाउंट भी आ गया, सिंपल सा क्वेश्चन था ना। सेकेंड मीन्स ई पार्ट ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन, रुपीज 10,000 फॉर 1 year at 8% per annum compounded half yearly. ठीक है, अब जो जो गिवन है वो हम लिख लेंगे सॉल्यूशन में। P is 10,000 रुपीस, रेट इज 8%, टाइम इज 1 year और कंपाउंडेड हाफ ईयरली है। हाफ ईयरली है तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, वापस R by 200 हो जाएगा एंड टाइम का डबल हो जाएगा। 10,000 1 plus R is 8 by 200 टू द पावर 2 into 1, 8 1 is 8, 8 2 is 16, 25. 10,000 multiply by 26 by 25 to the power 2. After solving this, answer will be equal to 10,816 rupees. ये आया है आपका amount. अब हमें क्या निकालना है? Compound interest, which is amount minus principal. 10,816 minus 10,000. 816 rupees you will get as इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। बहुत ही सिंपल सा था, दोनों सेम क्वेश्चन थे। दोस्तों जस्ट नाउ वी हैव सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1 व्हिच हैज सो मेनी पार्ट्स ए बी सी डी एंड एक्सेट्रा। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 2 व्हिच इज कमला बोरोड 26400 फ्रॉम अ बैंक to buy scooter, ठीक है, at the rate 15%, मैंने आपको जैसा बताया ये लिखा होता है तो per annum compounded yearly, मीन्स ये क्वेश्चन जो है वो ईयरली पे बेस्ड है तो यहाँ पे कोई हाफ ईयरली क्वार्टरली वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। व्हाट अमाउंट विल शी पे एट द एंड ऑफ 2 years एंड 4 month to clear the loan. ठीक है, स्ट्रेट क्वेश्चन है, बस टाइम जो है वो 2 year and 4 month दिया है तो यहां क्या करना पड़ेगा, हमें उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मंथ में अगर टाइम दिया है तो हमें पूरा ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, गिवन लिख लेते हैं तो वो हमें और इजी हो जाएगा। Given, she borrowed 26,400 rupees, तो ये क्या हो गया आपका प्रिंसिपल हो गया, ये गिवन है, रेट दी है पर एनम के हिसाब से 15%, टाइम दिया है 2 year 4 month, अगर इसे हमें पूरा ईयर में निकलना है तो सबसे पहले हम 4 में क्या करेंगे 12 का डिवाइड देंगे, बिकॉज 1 year हैज 12 month, तो आप उल्टा आप कैसे जमाएंगे 12 month, हालांकि मैं आपको ये बता चुकी हूँ बट स्टिल आई एम रिपीटिंग, 12 month इज इक्वल टू 1 year, 1 month इज इक्वल टू 1 by 12 year,
सो 4 मंथ इज इक्वल्स टू 1/12 इनटू 4, तो मींस डायरेक्ट कर लेंगे हम इसको, कट डाउन करेंगे तो क्या आएगा 1/3 ईयर। ये आपको करना नहीं है, नाउ यू आर इन 8th क्लास, तो आपको इमीडिएटली ऐसे ही आ जाना चाहिए कन्वर्शन, बट स्टिल मैंने आपको करके बताया, तो ये फाइनली बना 2 1/3 ईयर्स। ठीक है, टाइम मिल गया हमको, फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता है, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 + r/100 टू द पावर n, बट यहाँ पर जो टाइम है वो 2 ईयर्स और 1/3 ईयर्स है। तो इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक मैंने आपको फॉर्मूला बताया ही हुआ है ऑलरेडी, 100 टू द पावर n, एंड जब भी मैंने आपको बताया मिक्स न्यूमरल में है तो रेस्ट ऑफ दी जो ईयर है वो रेट से मल्टीप्लाई हो जाता है, और इस फॉर्मूले को मैंने आपको बहुत अच्छे से ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे n नहीं आता, मतलब एक्चुअली जो यहाँ n हम 1/3 रखेंगे तो वो रेट से मल्टीप्लाई हो जाता है। ये तरीका है डायरेक्ट निकालने का जब टाइम जो है वो मिक्स न्यूमरल्स में, मतलब 2 ईयर्स 3 ईयर्स और साथ में कुछ और ईयर्स तब के लिए। ठीक है, और इसी को हम दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, पहले हम 2 ईयर्स का निकाल लेते हैं, मैं दोनों बताऊंगी आपको, पहले हम 2 ईयर्स का निकाल लेंगे, जो आएगा वो उस सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले में प्रिंसिपल की तरह बिहेव करेगा, वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, पहले हम ऐसे निकालें डायरेक्ट, सो अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू 1 + r क्लियरली दिया है 15/100 टू द पावर 2, ये कंप्लीट ईयर्स हो गए, जैसा मैंने आपको बताया मिक्स न्यूमरल में है तो यहाँ दो ब्रैकेट्स में आ जाएगा, रेट से वो जो एक्स्ट्रा पार्ट है 1/3 वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल हो गया, अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे, इनटू 5 की टेबल से कैंसिल हो रहे हैं, एलसीएम लेंगे आप इसका, तो इट इज 23/20 स्क्वायर, यहाँ पर 3 × 5 = 15 एंड 5 से 100 कैंसिल ऑलरेडी हो रहा है, सो इट इज 21/20। ये हमने 1/3 ईयर का निकाल लिया और ये 2 ईयर का, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। ठीक है, हम दोनों तरीके से करेंगे सो दैट आप खुद ही कंपेयर कर सकते हैं कि विच इज इजी। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, मेरे पास इसका डायरेक्ट आंसर है, तो फाइनल अमाउंट इज इक्वल टू 36,659.70, ये आपका आंसर आएगा अमाउंट का। ठीक है, इससे क्या निकला, डायरेक्टली अमाउंट पूरे 2 कंप्लीट ईयर्स एंड साथ में 1/3 ईयर्स का भी। तो कमला ने जो स्कूटर बाय किया वो उसके लिए जो लोन लिया इट वॉज 26,400, बट उसको जो पे करना है आप खुद डिफरेंस देख सकते हैं कि उसे एज ए इंटरेस्ट कितना ह्यूज अमाउंट देना, ह्यूज मनी, यहाँ पर अगर अमाउंट वर्ड यूज करूँ तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, है ना, ये ह्यूज मनी देना पड़ेगा एज ए इंटरेस्ट, मीन्स इनको अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो हमारा आंसर जो आएगा ऑलमोस्ट 1745 के आसपास आएगा ना। तो ये आपको क्लियर हो गया कि अमाउंट कितना ज्यादा देना पड़ेगा, मींस इंटरेस्ट बहुत ज्यादा चार्ज कर रही है बैंक। अब हम इसे दूसरे तरीके से देखते हैं, हम पहले 2 ईयर्स का निकाल लेते हैं, हालांकि थोड़ा टिपिकल लगता है बट स्टिल हमें पता होना चाहिए कि अगर इसी क्वेश्चन को हम लेट से फॉर्मूला भूल गए या कुछ क्लिक नहीं हुआ तो हम दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले तो नॉर्मल कंप्लीट 2 ईयर्स के लिए तो जो अभी किया वैसे ही कर लेते हैं, 26,400 1 + r ऑलरेडी गिवन है 2 दी पावर 2, अभी हम इतना ही सॉल्व कर रहे हैं फॉर 2 ईयर्स। ठीक है, इसको हमने ओपन किया, अभी जस्ट किया है तो आपको ऑलरेडी सब पता है, ये आ जाएगा 23/20 का स्क्वायर, एंड ये जब सॉल्व होगा तो आपका आंसर आएगा 34,914 रुपीस। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, ये केवल अमाउंट आया है 2 साल के लिए। नाउ दिस अमाउंट विल कन्वर्ट इनटू प्रिंसिपल फॉर फर्दर ईयर, 1/3 ईयर्स के लिए ये अमाउंट कैसा बिहेव करेगा, प्रिंसिपल जैसा। अब हम निकालेंगे इंटरेस्ट फॉर आइदर आप लिखे 4 मंथ और 1/3 ईयर्स, दोनों का मीनिंग क्या है, सेम है। ठीक है,
फॉर्मूला आपको पता है, P इंटू आर इंटू टी बाय 100। अब यहां पर जो हम P रखेंगे वो क्या होगा, जो अमाउंट आ चुका है, ये मैं आपको कॉन्सेप्ट में भी क्लियर कर चुकी हूं और ऑलरेडी एग्जाम्पल्स भी बता चुकी हूं। T अब होगा आपका 1/3 अपॉन 100, ये हो जाएगा 34914 इंटू 15 इंटू 1 बाय 100 इंटू 3, वो 3 जो है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा और ये फाइनली सॉल्व होके आएगा सिंपल इंटरेस्ट 1745.50 रुपीस। अभी भी आपका पर्पस सॉल्व नहीं हुआ, अभी केवल क्या आया, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, टोटल कितना उसे पे करना है, कमला को टोटल पे कितना करना है। लोन तो उसने कितना लिया हुआ है, 26400 का। मैं इसको रब कर रही हूं यहां पे, अगर यहां पर हम टोटल अमाउंट निकालें वो पहले तो कितना आया है 34914 प्लस जो अभी एज ए सिंपल इंटरेस्ट आया 70 है, मैंने यहां 5 लिख दिया है क्या, इट इज 7। और आप और करेंगे सॉल्व तो आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया, कमला को आफ्टर जब मतलब जो कमला को जो फाइनली लोन देना है वो कितना देना होगा, दिस प्लस दिस, और ये ऐड होके कितना आएगा जो हमने नॉर्मल पहले भी निकाल लिया था, ठीक है। तो यहां पर यही क्वेश्चन हमने दो तरीके से किया, एक हमने डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया उससे डायरेक्ट अमाउंट आ गया, फिर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, बट फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए और मैंने उसके बहुत सारे एग्जाम्पल आपको दिए। लेट से आपको अगर फॉर्मूला नहीं रिकॉल हुआ या तरीका नहीं समझ में आए तभी आप इसको फॉलो करेंगे, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है क्योंकि यहाँ पर जो मेन कॉन्सेप्ट है वो यहाँ छुपा हुआ है। पहले आप जो कंप्लीट ईयर दिए हैं 3, 2, 4, 5 वो उसका अमाउंट निकालेंगे, दैट अमाउंट विल बी यूज एज ए प्रिंसिपल जब आप सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे और उसके बाद फिर उनको आपको एड भी करना होगा तब ही आपका टोटल अमाउंट आएगा। तो मेरा काम आपको दोनों तरीके से बताना था, बट आपको क्या चूज करना है ये आप डिफरेंस खुद कर सकते हैं, ठीक है। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 3 विच इज अगेन अ गुड क्वेश्चन बिकॉज 2 पर्सन्स आर बोरोइंग सम लोन्स, वन इज फेबिना बोरोस रुपीज 12,500 एट 12% पर एनम फॉर 3 ईयर्स, 3 साल के लिए ले रही है, बट एट सिंपल इंटरेस्ट। मीन्स फेबिना ने जो लोन लेने का ऑप्शन चूज किया है वो सिंपल इंटरेस्ट वाला ले रही है, तो जैसा मैंने आपको बताया कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा ज्यादा मिलता है, बट फेबिना ने जो चूज किया है वो सिंपल इंटरेस्ट किया है। एंड राधा बोरोस, राधा इज अनदर पर्सन, द सेम अमाउंट मीन्स 12,500 रुपीज फॉर द सेम पीरियड, मीन्स टाइम भी 3 ईयर्स है, बट एट 10% पर एनम। राधा को जो लोन मिला है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, मीन्स कम है। सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट होता, सेम टाइम पीरियड होता और सेम मनी होता तो हम कंपेयर करके बता सकते थे कि सिंपल इंटरेस्ट कम आता और कंपाउंड इंटरेस्ट ज्यादा आता, बट कब, जब सारी चीजें क्या होती, सेम होती। यहां पर दोनों ने लोन तो अमाउंट लोन का जो है वो तो सेम लिया, बट बाकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज है, यहाँ पर रेट 12% है बट इन द केस ऑफ राधा 10% है। अब इनका कोई कंपैरिजन नहीं, इनको केवल हमें सॉल्व करना है और डिफरेंस बताना है कि किस में कितना ज्यादा पे करना पड़ेगा, ठीक है। 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली,
एनुअली. हु पेज मोर इंटरेस्ट एंड बाय हाउ मच. सो क्वेश्चन हमको क्लियर हो गया. सॉल्यूशन में हम सबसे पहले क्या करेंगे, गिवन ले लेंगे. गिवन क्या क्या है, गिवन फॉर फेबिना एंड गिवन फॉर राधा. हम यही इसको क्वेश्चन को कंपेयर करेंगे. फॉर फेबिना प्रिंसिपल इज 12,500 रुपीस. रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, इसके केस में ज्यादा है. भले ही सिंपल इंटरेस्ट से ले रही है बट स्टिल रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है, तो ऑब्वियस है इसका आंसर पे इफेक्ट पड़ेगा. एंड टाइम जो है 3 इयर्स. सिमिलरली फॉर राधा, जो जो गिवन है हम पहले लिख लें. प्रिंसिपल इज अगेन सेम बिकॉज दे हैव क्लियरली सेड सेम अमाउंट. रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ कम है, भले ही ये कंपाउंडेड ले रही है बट स्टिल रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, तो इसके आंसर पे इफेक्ट पड़ेगा. इसका आंसर कम आएगा. अभी मैं बिना सॉल्व करे ही बता रही हूँ, बट हम सॉल्व करेंगे तो आपको अपने आप ही क्लियर हो जाएगा. सिंपल इंटरेस्ट, अब जो भी ये केस है फेबिना का ही है, तो मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ कि सिंपल इंटरेस्ट फॉर फेबिना. पी इंटू आर इंटू टी बाय 100. पी इज 12,500, आर इज 12, रेट इज सॉरी टाइम इज 3 अपॉन 100. इसको जब सॉल्व करेंगे तो मेरे पास इसका आंसर है 4,500 रुपीस. ये आ गया है सिंपल इंटरेस्ट फॉर फेबिना. अब फॉर राधा, राधा के लिए सॉल्व कर लेते हैं. यहाँ पर हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1 + r/100 टू द पावर n. बिकॉज कंप्लीट ईयर दिए हैं तो कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है. ये फॉर्मूला क्यों लगाया, बिकॉज राधा जो वही सेम अमाउंट है कंपाउंडेड एनुअली ले रही है, तो मैंने आपको उस फॉर्मूले को ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है. सिंपल वैल्यू सब्स्टिट्यूशन. r यहाँ पर कम है, अब देखें क्या फर्क पड़ता है. 0 से 0 कैंसिल, सो इट इज 11/10 टू द पावर 3. इसका जो आंसर है मेरे पास निकला हुआ है वो आएगा 166,37.50 रुपीस. ये क्या आया हमारा अमाउंट, अभी कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं आया है. तो सबसे पहले हम निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, तभी तो हम कंपेयर करके बता पाएंगे कि इस इंटरेस्ट और इस इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस है. ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए हम करेंगे अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, मीन्स 166,37.50 माइनस प्रिंसिपल तो मुझे याद हो गया है तो मैंने लिख दिया. इसको सॉल्व करने पे जो इंटरेस्ट आया 4,137.50 रुपीस. ये आ गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट. अब आप ध्यान से देखें तो आप खुद ही आंसर दे सकते हैं. उन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा है, देखिए, हु पेज मोर इंटरेस्ट एंड बाय हाउ मच. तो आपका आंसर क्या होगा, फेबिना पेज 12,500 एंड बाय हाउ मच के लिए आप क्या करें, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें 4,137.50. इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इतना ज्यादा फेबिना को देना पड़ता है 362.50 रुपीस. मेरा सजेशन ये है इसी क्वेश्चन को आप ये फिगर सेम ले और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम ले ले, आइदर दोनों केस में 12% ले लें या दोनों केस में 10% ले लें और एक बार और सॉल्व करें, तब और इंटरेस्टिंग सा आंसर आएगा. जब सारी की सारी चीज़ें सेम रहेंगी तब आप एबल होंगे कंपेयर करने के लिए कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस है. ठीक है, तो ये क्वेश्चन सिंपल था बट अच्छा था क्योंकि इसमें दो अलग अलग केस थे. नाउ मूविंग टू द फोर्थ. सो स्टूडेंट, हमने फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड सॉल्व किया. फर्स्ट के बहुत सारे पार्ट थे वो सारे सॉल्व किए, देन सेकेंड एंड थर्ड. नाउ फोर्थ क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, I borrows rupees 12,000
फ्रॉम जमशेद एट 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years. Had I borrowed this sum at 6% per annum compound interest, what extra amount would I have to pay? Again, ये दो पार्ट में होगा. What extra amount would I have to pay? क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है पहले हम वो लिख लेते हैं. प्रिंसिपल इज 12,000 रुपीज, टाइम इज 2 years एंड आर इज 6% पर एनम और कंपाउंडेड एनुअली की ही बात कर रहे हैं, हाफ कहीं भी नहीं दिया है. ठीक है, पर हमें दो पार्ट में क्वेश्चन करना होगा. पहले हमें सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा बिकॉज आई हैव बोरोड सम अमाउंट फ्रॉम जमशेद एट 6% एज सिंपल इंटरेस्ट. ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट पी इंटू आर इंटू टी बाई 100. 12,000 सब कुछ गिवन है तो हमने डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट किया, इसको हमने सॉल्व किया. सॉल्व करने पे इट इज 1440 रुपीज. ये तो आ गया आपका सिंपल इंटरेस्ट. अब हम निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट. उसके लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा, अमाउंट पी इंटू 1 + r/100. जब भी तो हम कंपेयर कर पाएंगे, है ना, क्योंकि वो पूछ रहे हैं लास्ट में व्हाट एक्स्ट्रा अमाउंट वुड आई हैव टू पे. तो मुझे दोनों तरीके से सॉल्व करके कंपेयर करना होगा, जब भी मैं बता पाऊंगी कि कितना एक्स्ट्रा अमाउंट देना है. ठीक है, पी इज व्हाट 12,000 इंटू 1 + r/100 2 to the power 2. 2 3 = 6, 2 5 =. ठीक है, 12,000 इंटू 53/50 to the power 2. 12,000 इंटू पावर 2 है तो दो बार ओपन होगा एंड आंसर विल बी इक्वल टू 1,483.20 रुपीस. ये आया है अमाउंट. नाउ व्हाट यू विल फाइंड, कंपाउंड इंटरेस्ट वैल्यू रखेंगे 1,483.20 माइनस 12,000. सो कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी इक्वल टू 1,483.20 रुपीस. अब हम कंपेयर करेंगे. एज सिंपल इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है 1,440 रुपीस, एज कंपाउंड इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है 1,483 रुपीस. तो डिफरेंस कितना आएगा वो पहले निकालेंगे और फिर कौन किसे ज्यादा पे करना पड़ रहा है. तो कंपाउंड इंटरेस्ट में ऑब्वियसली ज्यादा पे करना पड़ रहा है, तो अब हमारा होगा डिफरेंस इन बोथ द इंटरेस्ट, डिफरेंस इन बोथ द इंटरेस्ट 1,483.20 माइनस 1,440 और ये सॉल्व होके आएगा 43.20 रुपीस. मीन्स जब मैं जमशेद से बोरो कर रही हूँ एज सिंपल इंटरेस्ट तो मुझे कम देना पड़ रहा है, बट वही मैं जमशेद से बोरो कर रही हूँ एज कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली तो मुझे ज़्यादा देना पड़ रहा है. तो जो भी मुझे चूज करना है वो मैं इनको देख के चूज करूंगी कि मुझे कैसा चूज करना है. ठीक है, तो ये था फोर्थ क्वेश्चन.